हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आज का जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम था वो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम था। तो ड्यूरिंग एग्ज़ाम जैसे 12 से 1 बजे तक आपका एग्ज़ाम था, तो बहुत सारे क्वेरीज आए मेरे पास, कॉल्स भी आए कुछ बच्चों के कि सर हमारा लॉगिन नहीं हो रहा है या हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है। हमारे HOD सर ने मॉर्निंग में ही डाल दिया था, जिन बच्चों को यूज़र ID और पासवर्ड नहीं मिले वो दीमान सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रोसेस क्या था कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर यूज़र ID और पासवर्ड सेंड कर दिए गए थे, यूज़र ID एंड दी पासवर्ड। कुछ स्टूडेंट्स जिनका नंबर चेंज हो गया या फिर भी किसी रीज़न से उनके पास नहीं पहुँचे थे, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई थी कि वो धीमान सर से पूछ सकते हैं। डॉक्टर धीमान सर जो है हमारे ऑनरेबल COE सर, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, उनसे आप पूछ सकते थे। ओके, बट क्या हुआ कि आपने एक साथ बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं तो बिजी आएगा सर का नंबर भी, तो केवल उन्हीं बच्चों ने कॉल करना था जिनको यूज़र ID पासवर्ड नहीं मिला था। ठीक है, कुछ बच्चों से लॉगिन नहीं हो पा रहा तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। सिंपल है, जिनके पास यूज़र ID पासवर्ड आ गया, जिनके पास नहीं आया वो धीमान सर से पता कर लेंगे। ठीक है, जिनके पास आ गया वो अपनी यूज़र ID डालेंगे यहाँ पे और पासवर्ड डालेंगे। ध्यान रहे, ये सब चीज़ें केस सेंसिटिव होती हैं, आप जो है लेटर बड़ा या छोटा ना करें। आप जिस तरह से लेटर पासवर्ड के हैं, फ़ोन नंबर होंगे आपके मोस्ट प्रोबेबली, और आपका यूज़र ID जो भी आपको दिया गया वो आप एंटर करेंगे। उसके बाद बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी कि ये क्या, आई एम नॉट ए रोबोट। आपने इस चेक बॉक्स को टिक करना है। ठीक है, उसके बाद जो होगा ये एक तरह का कैप्चा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हो, आपने एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कुछ प्लेसेस पे, फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर खुद ही, अगर कंप्यूटर को आपका सारा डाटा पता है, ठीक है, वो लॉगिन करके आपके जगह एग्ज़ाम दे सकता है। दिस इज़ कॉल्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। ठीक है, आजकल जो सॉफ्टवेयर हैं वो खुद ही स्मार्ट होते हैं। तो फॉर प्रूविंग अस अ ह्यूमन, या हम कोई रोबोट नहीं है, हम खुद ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस चीज़ को प्रूव करने के लिए ऑप्शन होता है कि आई एम नॉट अ रोबोट। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक अलग मेन्यू पर ले जाएगा। ठीक है, मैं एक डेमो देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम किसी की ID एंटर करेंगे, या पहले हम आई एम नो रोबोट का डेमो देखते हैं। इस तरह से कुछ भी सैंपल खुल सकता है। वो क्या आपको कह सकता है जो PC है कि सेलेक्ट ऑल इमेजेस विद टैक्सीज। अभी इन्होंने कहा है कि जिसमें भी टैक्सीज हैं उन सबको चेक कीजिए या क्लिक कीजिए। ठीक है, हो सकता है वो कह दे सेलेक्ट ऑल इमेजेस विद द ट्रैफिक लाइट, जिसमें ट्रैफिक लाइट हो, सेलेक्ट ऑल इमेजेस विद द बसेस, ऐसी सभी इमेजेस इन 9 में से जिनमें बसेस हो। हो सकता है सेलेक्ट ऑल इमेजेस विद कार, जिनमें केवल कार हो, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग हो, ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो, तो कुछ भी कह सकता है आपको। जो भी आपको कहेगा वेरीफाई करने के लिए उस पर आपने क्लिक करना है। अब हमने टैक्सीज़ को चूज़ करना है, तो टैक्सी जो है आपकी, एक तो ये इसमें टैक्सी है, इसमें भी टैक्सीज हैं, इसमें भी टैक्सी है। इसके अलावा देखिए किसी भी पिक में टैक्सी नहीं है, इसमें कार है जो फर्स्ट पिक है, तो आप इसको वेरीफाई कर देंगे। देखिए अब ये प्रूव हो गया कि आप रोबोट नहीं है। आप अपना यूज़र ID और पासवर्ड डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ सैंपल 1 2 3 4, पासवर्ड जो भी आपके नंबर होंगे, ओके 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी। तो उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपकी डिटेल क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ अभी, मैं किसी का ओरिजिनल डाल के लॉगिन कर रहा हूँ, डायरेक्ट लॉगिन पेज खुलेगा आप जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा। देखिए जैसे ही लॉगिन किया तो डिटेल के अकॉर्डिंग जो है अब सारा जो है हमारा एक पैनल खुल गया, हर एक कैंडिडेट का अलग पैनल है। तो अभी यहाँ पे प्रोसीडर इंस्ट्रक्शन का है, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो यहाँ पे आपका प्रोसीड आएगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो टोटल जितने क्वेश्चन से जितनी ड्यूरेशन होती है उसके अकॉर्डिंग आपने वो डेमो टेस्ट, ये सपोज डेमो टेस्ट है, आप इससे भी जो है कर सकते हैं चेक करके। अदरवाइज जब आपका टेस्ट का पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा, लाइक 12 से 1 था आज का, तब आप उस टाइम पीरियड पर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस तरह से लॉगिन करके आप डेमो टेस्ट भी करके देखें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। फिर भी फर्दर कोई क्वेरीज होती हैं, आपको यूज़र ID पासवर्ड ही नहीं मिलता है, तो फिर आप धीमान सर से कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, या अपने टीचर से कॉन्टैक्ट करें।